नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार और मैं हूं आपके साथ अरुण राठी। आज हमारे बीच मौजूद है बड़ौत मेडिसिटी हॉस्पिटल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आशीष चौधरी जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार जी, थैंक यू। डॉक्टर साहब, बड़ौत मेडिसिटी द्वारा क्षेत्र में जनपद वासियों को क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है? बड़ौत मेडिसिटी हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसमें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं एक ही छत के नीचे हम दे रहे हैं, जिसमें जनरल सर्जरी, सभी प्रकार की लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, सभी प्रकार की गायनी सर्जरी, सभी प्रकार के मेडिसिन के अंतर्गत मरीजों के जी चार दिया जा रहा है। डॉक्टर साहब, कोरोना महामारी का बुरा दौर चल रहा है, लाख प्रयासों के बावजूद कोरोना रुकने का नाम नहीं ले रहा, ऐसे में क्या संदेश देंगे आप? सबसे जरूरी संदेश मैं ये देना चाहता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें एवं घर पर रहें, जब कुछ जरूरी हो तभी बाहर जाएं और समय समय पर अपने हाथ साबुन से और सैनिटाइजर से धोते रहें जी। डॉक्टर साहब, इसमें इसके अलावा अपने बढ़ाने के लिए केवल अच्छा खाना खाएं, घर का खाना खाएं, उसमें खाने में विटामिन सी लें ताकि इम्यूनिटी अच्छी बने। डॉक्टर साहब, बड़ौत मेडिसिटी को कोरोना सेंटर भी बनाया गया है, सरकार द्वारा क्या क्या सुविधाएं दी गई? सरकार द्वारा यहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है जिसमें सस्पेक्टेड केसेस को रखा गया है और उनकी डेली मेडिकल चेकअप होता है और डेली उनकी ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल देखा जाता है, उनका टेम्परेचर नापा जाता है और उनका टेस्ट कराया जाता है जिससे कि वो ये पता चल सके कि वो पॉजिटिव हैं या नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कोरोना का तो बुरा दौर चल ही रहा है और व्यक्ति डरे भी हुए हैं और डर भी सच्चा है क्योंकि ये बीमारी जो एक दूसरे से फैलती है तो डरना मुनासिब भी है, जिस प्रकार से लॉकडाउन भी लागू किया गया है। अच्छा, इस दौर में मरीजों की संख्या कम दिखाई पड़ती है हॉस्पिटल में, क्या कहेंगे कि कोरोना के आने से और बीमारियों पर विराम लगा है? ये तो है, कोरोना के आने से दूसरी बीमारियों के से में फर्क पड़ा है। अब सभी व्यक्ति घर पर रहते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, घर वालों के साथ खुश रहते हैं, तो जिससे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट कम हो गया है और तरह की बीमारियों से जो भी हमारी मोर्टेलिटी होती है, जिससे कि आदमी स्वस्थ है अभी फिलहाल, केवल कोरोना का ही खतरा ज्यादा है। यहाँ जिस प्रकार से लॉकडाउन लागू है, लॉकडाउन के लागू होने से लोग घर से नहीं निकलते, बाहर का खाना नहीं खाते, घर का खाना खाते हैं तो स्वस्थ रहते हैं जी। डॉक्टर साहब, बड़ौत मेडिसिटी द्वारा ब्लड बैंक की स्थापना की जा रही है, क्या सुविधा रहेगी और किस तरह से जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ ले पाएंगे? हम एक नए ब्लड बैंक की शुरुआत करने जा रहे हैं, इससे सभी मरीजों को समय से रक्त की उनकी आपूर्ति की जा सकेगी और अब कोरोना चल रहा है तो इससे जो स्वस्थ हो चुके हैं उससे प्लाज्मा भी डोनेट किया जा सकेगा, जिसमें कोरोना से बीमारी से भी इलाज की संभावना है और अन्य बीमारियों में भी रक्त की काफी आपूर्ति रहती है। बागपत क्षेत्र में काफी ब्लड बैंक कम है तो इससे हमें सुविधा मिलेगी और आप सभी से भी मतलब मैं दरख्वास्त करता हूँ, जनता से भी, कि वो रक्तदान करें, रक्तदान महादान है, इससे किसी की जान बच सकती है। डॉक्टर साहब, आप क्षेत्रवासियों को किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी क्षेत्रवासियों से यही विनती करता हूँ कि इस कोरोना काल में आप अपने घर पर रहे हैं, जितने स्वस्थ रह सके उतना अच्छा है, अगर फिर भी कोई बीमारी आती है तो बड़ौत मेडिसिटी हॉस्पिटल सदैव आपके लिए तैयार है। हम कोशिश करते आए हैं, हमारे मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर मनीष तोमर का यही विजन है कि सभी सुविधाएं यहीं पर एक छत के नीचे उपलब्ध हो सके और वो भी काफी किफायती दरों पे। हम
हम मेडिकल कैंप निशुल्क कभी करते रहते हैं, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत का भी इलाज किया जाता है, और इसी चीजों को देखते हुए सरकार ये अस्पताल को अधिग्रहण भी किया है कोविड केयर सेंटर के लिए। साहब, एक तो बड़ी सौगात आप लोग पहले ही जनपद को दे चुके हैं, इतने बड़े स्तर पर बड़ौत मेडिसिटी हॉस्पिटल की जो आपने यहाँ पे स्थापना की, क्षेत्रवासियों को एक बड़ी सौगात मिली, और एक उससे बड़ी सौगात आप देने जा रहे हैं कि इस हॉस्पिटल के अंदर ब्लड बैंक की सुविधा, अब लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ब्लड बैंक की सुविधा यहीं पर हो जाएंगी। शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए।